नमस्कार, मैं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का फेसबुक लाइव। जी हाँ, आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें, आप जैसा कि जान रहे हैं, देश भर में अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है। हर जगह नेता को नेता बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर लगातार दौरे कर रहे हैं। जिस तरह से देश भर में कांग्रेस और बीजेपी, दो महत्वपूर्ण पार्टियाँ, एक दूसरे का परचम लहराने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है, तो अब इसी कड़ी में एक राज्य छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, किस तरह से नेताओं के यहाँ दौरे होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की दोनों पार्टियों की तैयारियां हैं, इसे लेकर हम बात करेंगे। तो आपको बता दें कि अभी छत्तीसगढ़ में पूर्व की स्थिति की बात करें तो 2 सीट लोकसभा की कांग्रेस के पास है और वहीं बाकी के 9 सीट भाजपा के पास है। कुल 11 सीटों में से ये स्थिति अभी कांग्रेस की है, कांग्रेस और भाजपा की। इस स्थिति में कांग्रेस पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि वो 2 सीट तो जीते ही जीते, साथ में बाकी के और सीटों को भी जीतने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। वहीं भाजपा 400 का नारा लेकर देश भर में चुनाव प्रचार कर रही है, तो 400 पार का नारा अगर उन्हें पार करना है, 400 का आंकड़ा उन्हें पार करना है, तो छत्तीसगढ़ में बचे हुए 2 सीटों को भी उनके लिए जीतना काफ़ी जरूरी है। तब बचे हुए 2 सीटों पर वो पूरी तरह से खुद को झोंक रही है, जिस तरह से लगातार भाजपा छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, तो अब देखेंगे आगे क्या कुछ इसमें होगा। वहीं तैयारियों को लेकर बात करें दोनों पार्टियों की, तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जिस तरह का करारा हार मिला, जी हाँ, ये लगभग 100 दिन पहले की बात है, जहाँ छत्तीसगढ़ की स्थिति ये थी कि बीजेपी यहाँ मुश्किल से 5 से 10 सीटों में सिमट जाएगी, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया 54 सीटों के साथ में जो भाजपा ने अपना सरकार छत्तीसगढ़ में बनाया, इससे कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई। कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस को जो पूरी तरह से अपने आप पर विश्वास था, घमंड था कि कांग्रेस की सरकार फिर से छत्तीसगढ़ में बनने वाली है, यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं तक को ये भरोसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ ऐसा ही। अब ऐसा हुआ, इसका एक मुख्य कारण था मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी के चलते जो लोगों में प्रभाव पड़ा, जो अंडरकरेंट छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच पैदा हुआ, इसके चलते पूरी तरह से छत्तीसगढ़ का रेशियो, जो छत्तीसगढ़ में एक लहर चल रहा था कांग्रेस का, वो रातों रात पलट गया। लोकसभा चुनाव में अब इसी तरह की मेहनत दोनों पार्टियां कर रही है, कांग्रेस बिखरी हुई है, कांग्रेस में कई तरह की लड़ाई, आपसी रंजिश अंदर ही अंदर चल रही है, उसके बावजूद कांग्रेस भी चुनाव जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। अब दौरों को लेकर हम बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार बीजेपी शुरू से आगे चल रही है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची छत्तीसगढ़ में 11 के 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी। कांग्रेस ने ये सूची जारी करने में, प्रत्याशियों के नाम जारी करने में काफ़ी लंबा समय लिया, बीजेपी इसमें एक कदम आगे थी। जिस तरह से समितियां बनाई गई, उसमें बीजेपी आगे थी, बीजेपी ने समितियां बनाई अलग अलग जगहों पर, क्षेत्रों पर, जिस तरह से यहाँ पे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, मंत्रियों को जिम्मेदारी गई, इसमें भी बीजेपी एक कदम आगे थी। अब दौरों की बात करें तो दौरों में भी बड़े बड़े नेता के दौरे होने वाले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बस्तर जिले के दौरे पर आने वाले हैं। बस्तर विधानसभा, बस्तर लोकसभा भी पहले चरण में ही चुनाव होना है, 19 तारीख को, यहाँ 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, तो पहले टारगेट बस्तर की जनता को किया जा रहा है, तो इसी में बस्तर का क्षेत्र अभी कुछ समय तक नेताओं का महकमा बनने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता लगातार बस्तर पहुंचने वाले हैं, तो पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर पहुंचेंगे और वहां जनसभा को, काफ़ी बड़े जनसभा को, हजारों की संख्या में लोगों को वहाँ भाषण देंगे, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे। अब वहाँ हो सकता है वे चुनावी भाषण दें, कई तरह के बातें कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कुछ रहने वाला है उनको लेकर वे चर्चा करेंगे, लोगों को आश्वासन देंगे और लोगों को अपनी तरफ, जनता को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब मोदी के आने से किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में, ये तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम जनता देख ही चुकी है। अब मोदी जी फिर पहुँचेंगे तो किस तरह से बस्तर के क्षेत्र को अपने आप में रंगेंगे, वो देखने वाली बात होगी। नरेंद्र मोदी कल वहाँ पहुँचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें तो उससे पहले बस्तर क्षेत्र में कुछ मुद्दे रह सकते हैं जो नरेंद्र मोदी वहाँ उठाएंगे। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है नक्सलवाद। बस्तर का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लंबे समय से, शुरुआती समय से नक्सलवाद एक बड़ी समस्या रही है। नक्सलवाद के चलते ही वहाँ जरूरी चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ का
जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट बस्तर क्षेत्र का नहीं हो पा रहा है, सड़कें नहीं बन पा रही है, बिजली नहीं पहुंच पा रही है, जिस तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो क्षेत्रों से, रायपुर जैसे बड़े क्षेत्रों से, वो कनेक्टिविटी बस्तर की अभी तक उस लेवल में नहीं हो पाई है। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, कांग्रेस ने दावा किया कि वो कनेक्टिविटी हो रही है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। तो एक अहम मुद्दा बस्तर के क्षेत्र में रहने वाला है कि किस तरह से नक्सलवाद को खत्म कर बस्तर क्षेत्र को एक डेवलपमेंट एरिया भाजपा बनाने का वादा करेगी। अब उनके सामने जब पहुंचेंगे तो वहाँ साफ बात है नक्सलवाद क्षेत्र है, तो वहाँ पे काफी बड़े संख्या में सुरक्षा बलों का घेराव रहने वाला है, काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहाँ मौजूद रहेंगे और सारी तरफ ये समझने के बाद ही वहाँ बस्तर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। अब रही दूसरी बात, तो कांग्रेस के भी बड़े नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। जी हाँ, अभी तक कांग्रेस में किसी भी बड़े चेहरे का छत्तीसगढ़ आना नहीं हुआ था। सचिन पायलट भी काफी लंबे समय के बाद जो प्रदेश प्रभारी हैं, वे काफी लंबे और बड़े समय के बाद रायपुर पहुंचे थे, लेकिन वे भी रायपुर पहुंचे, जांजगीर गए, लेकिन वहां उन्होंने जनता से मेल नहीं किया, उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात किया, कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किए, नेताओं के साथ बैठक किया, अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश की। इसका मुख्य कारण था कि कांग्रेस के अंदर चल रहे लड़ाई को सुलझाना, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई चल रही है वो नहीं सुलझी। अब तो आखिर की बात है कि किस तरह कांग्रेस अपने आपसी रंजिश को भूलकर लोकसभा चुनाव में अपने आप को आगे रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब वही राहुल गांधी भी बस्तर दौरे की सूचना आ रही है, 13 तारीख को राहुल गांधी भी बस्तर पहुंच सकते हैं। अब दोनों ही बड़े नेता बस्तर को टारगेट करने में है, बस्तर की सीट बीजेपी के पास है, तो राहुल गांधी आकर किस तरह से यहाँ लोगों को अपने आप में जोड़ेंगे, लोगों को से जुड़ेंगे, आम सभा को उनकी जिस तरह से भूमिका रहेगी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट को जीतने में, वो देखनी होगी। लगातार कांग्रेस पीछे चल रही है, लेकिन अब इस दौरे से क्या फायदा होगा वो देखने वाली बात होगी। बस्तर से कांग्रेस ने कवासी लखमा, जो काफी लंबे समय से कोटा से विधायक रहे हैं, उनको मौका दिया, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनको मौका दिया है। फिर से वहां से दीपक बैज का नाम सामने चल रहा था, कवासी लखमा अपने बेटे के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोनों ही नामों को साइड में रखते हुए खुद कवासी लखमा को उस सीट से मौका दिया है। तो उनके प्रचार प्रसार में, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए जब बड़े नेता वहां पहुंचेंगे, मंच से संबोधित करेंगे और कवासी लखमा को वहां से एक प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने रखेंगे, तो किस तरह का उत्साह लोगों में होगा, किस तरह की समीकरण इस ग्राउंड में बनेगी, वो देखने वाली बात होगी। कवासी लखमा की अगर बात करें तो कवासी लखमा बस्तर क्षेत्र में एक जाना माना चेहरा है, ऐसा चेहरा है जो शुरू से आदिवासी लोगों से जुड़ा हुआ है, आदिवासी चेहरा आदिवासी लोगों से जुड़ा हुआ है, उनकी समस्याओं को करीबी से जानता है। तो बिल्कुल हो सकता है कि उनको ये मौका मिलने के बाद हो सकता है कांग्रेस अपने इस सीट पर फिर से पकड़ बनाए, पकड़ मजबूत करे। अब इन क्षेत्रों में होने के बाद, दौरा होने के बाद अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे कई बड़े चेहरे छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे करने वाले हैं। राजनांदगांव में दूसरे चरण में चुनाव होना है और राजनांदगांव इसलिए भी मुख्य सीट है क्योंकि यहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल राजनांदगांव से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, तो उनके प्रचार प्रसार के लिए बड़े नेता वहां पर निश्चित तौर पर आएंगे और भूपेश का भरोसा, भूपेश पर भरोसा, भूपेश की सरकार पर भरोसा के नारे के नाम से जो विधानसभा चुनाव में प्रचार किया गया था उसका फायदा लोग विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। करारी हार कांग्रेस को मिली, लेकिन जो भरोसा उठा हुआ है भूपेश की सरकार से, वो भरोसे को फिर से बढ़ाने की कोशिश, फिर से इस उठे हुए भरोसे को फिर से बढ़ाने की कोशिश, भूपेश पर लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कांग्रेस लगातार करते हुए नजर आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक एक गांव, एक एक ब्लॉक में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक एक इंसान से बात कर रहे हैं, अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तौर पर एक एक दिन में 23-23 गांवों का जाकर लगातार दौरा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी मेहनत ग्राउंड पर नजर आ रही है। बस एक ही चीज़ है जो कांग्रेस को इन सब चीज़ों से पीछे कर रही है और वो है उनकी आपसी लड़ाई। उनकी आपसी लड़ाई के चलते जो कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है वो ऐसे दौरे करने से, बड़े नेताओं के आने से, वो जो
चेहरा उनका जनता के सामने धूमिल हो रहा है वो नहीं साफ होने वाला है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपने अंदर मेहनत करने की जरूरत है और बड़े नेताओं के लगातार इस तरह के दौरे करने से छत्तीसगढ़ में किस तरह की स्थिति होगी, राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार।